तो गाइस सीएम पंक का रिटर्न होने के बाद डब्ल्यू में उनका जो पहला अपोनेंट होने वाले वो होंगे डोमिनिक मिस्टीरियो। उसके बाद गाइस सेथरन जो अगला अपना नेक्स्ट टाइटल डिफेंस करने वाले वो होगा यहाँ पर 1 जनवरी को ड्रू मैकइंटायर के साथ। और गाइस अब तक की सबसे बड़ी रूमर्स यहाँ पर रोमन रेंज को लेकर आ रहा है कि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंज यहाँ पर हॉलीवुड में जाने वाले हैं। उसके बाद इस बार के मंडे नाइट रॉ में आखिर सेथरन ने ऐसा क्या कह दिया यहाँ पर सीएम पंक को कि सीएम पंक यहाँ पर देखते ही रह गए सेथ रॉलिन को। उसके बाद गाइस फाइनल यहाँ पर गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच यहाँ पर पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। यहाँ पर उनका जो अगला अपोनेंट होने वाला है वो होंगे यहाँ पर रायबैक। तो गाइस इस वीडियो में और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो शुरू करने से पहले। तो गाइस बिना देर के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो गाइस इस बार के जो स्मैकडाउन का व्यूअरशिप है वो है 2.38 मिलियन व्यूअर्स और गाइस इसका रेटिंग है 0.63 रेटिंग स्टार। और गाइस यहाँ पर कंपेयर करें पिछले स्मैकडाउन के व्यूअरशिप से तो पिछले स्मैकडाउन का जो व्यूअर से बाहर निकल गया था वो था 2.04 मिलियन व्यूअर्स। गाइस इस बार के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। उसके बाद गाइस फाइनल नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉमल्स के बारे में, क्या सच में रॉमल्स यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर जाने वाले हैं। गाइस एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि रॉमल्स के यहाँ पर रिटर्न होने वाला है यहाँ पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की यानी कि 15 दिसंबर को लास्ट मैच यानी कि रेसलमेनिया 40 यहाँ पर रेसल करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होने वाले हैं। और गाइस जैसे कि आप जानते हैं इस बार का जो रेसलमेनिया मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 मैच वो होगा कोडी रोड के साथ। तो गाइस इस मैच में होगा क्योंकि यहाँ पर रॉमेज इस मैच में आई क्विट बोल देंगे जिससे कि उनका अनडिफीटेड स्ट्रीक यहाँ पर बेकरार रहेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर रॉमेज यहाँ पर रेसलमेनिया 40 रेसल करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूरी तरह से गायब होने वाले हैं, वो जाएंगे यहाँ पर हॉलीवुड में। जैसा कि गाइस आप जानते ही हैं यहाँ पर रॉमेज इस समय पार्ट टाइम रेसल जो कि बने ही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो गाइस इस बार के रेसलमेनिया का सीन कुछ इस प्रकार होने वाला है जहाँ रेसलमेनिया नाइट 1 में फाइट करने वाले हैं सेथ फ्रैकिन रॉलिन और उसके बाद नाइट 2 में रेसल करने वाले हैं रॉमन रेंज अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। गाइस नाइट 1 में जो सेथ रॉलिन का फर्स्ट अपोनेंट होंगे वो होंगे यहाँ पर सीएम पंक और नाइट 2 में रॉमेज का जो मेन इवेंट में यहाँ पर अपोनेंट होने वाले वो होंगे कोडी रोड। उसके बाद गाइस यहाँ पर सेथ रॉलिन का जो साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट था वो काफी जल्दी समाप्त होने वाला है। इनका जो साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पर जून 2024 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि गाइस इनके साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खुलासा हो चुका है, फिलहाल इनके पास काफी समय है अभी तक। उसके बाद गाइस 1 जनवरी को यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर के साथ अपना यहाँ पर टाइटल डिफेंस करने वाले हैं सेथ फ्रैकिन रॉलिन। गाइस यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर के साथ जैसे यहाँ पर इनकी राइवलरी समाप्त हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट राइवलरी यहाँ पर शुरू होने वाले हैं सीएम पंक के साथ सेथ रॉलिन। वैसे गाइस आप सेथ रॉलिन के अपोनेंट को देख भी सकते हैं जो कि है सीएम पंक। उनका जो फर्स्ट टाइम इनका राइवलरी स्टार्ट हुआ था 2012 में वो भी एनएक्सटी में। इनके बीच एक बार फिर से राइवलरी स्टार्ट होने वाली है 2023 में, 11 साल बाद इनका एक बार फिर से सामना सामना होने वाला है। उसके बाद गाइस इस बार के मंडे नाइट रॉ में यहाँ पर सेथ रॉलिन ने काफी पूरी तरह से इनको ट्रीट करते हुए कहा कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं ये मेरा घर है। जहां गाइस हैरान की बात ये है कि यहाँ पर सीएम पंक इनको काफी तरह से देखते ही रह जाते हैं कि भाई तुम कह क्या रहे हो आखिरकार। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही बैक स्टेज जाते हैं सीएम पंक वहाँ पर चैलेंज कर देते हैं डायमंड प्रिस्ट कि जब भी तुम यहाँ पर टाइटल डिफेंस करोगे मैं उसमें मनी इन द बैंक कैश इन करने वाला हूँ। यानी कि गाइस सीएम पंक को सारे रेसलर जो कि हल्के में ले बैठे हैं अभी तो इनका जलवा कायम ही है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको काफी समय पहले ही बता दिया था कि सेमी जेन काफी जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होने वाले हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर सेमी जेन को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर मिसलेनियस चोटें लगी हुई जिसकी तरफ से इनको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद गाइस देखना यू होगा कि इनका रिटर्न कब देखने को मिलता है एक बार फिर से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर गोल्डबर्ग का फाइनल यहाँ पर रिटायरमेंट मैच यहाँ पर कम्प्लीटली ऑफिशियल यहाँ पर अनाउंस हो चुका है जो कि उनका अपोनेंट होने वाले हैं रायबैक। तो गाइस ये मैच कुछ इस तरह होने वाला है जहाँ पर रायबैक ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस मैच का नाम होगा लूजर रिटायरमेंट मैच। उसके बाद गाइस सीएम पंक का जो पहला यहाँ पर अपोनेंट होने वाले वो होंगे डोमिनिक मिस्टीरियो। इनका 13 दिसंबर को मैच है इनके बीच। तो गाइस देखना ये होगा कि इस मैच का विनर कौन होगा। वैसे तो हमें लगता है कि इस मैच के जो विनर होंगे यहाँ पर सीएम पंक ही निकल के आएंगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट जो कि काफी बुरी अपडेट है यहाँ पर जेट कारगिल को लेकर जो कि उनकी माँ के यहाँ पर डेथ हो चुका है। वैसे गाइस यहाँ पर आप जेट कारगिल को देख भी सकते हैं जो कि इनका एनएक्सटी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रमोशन हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन यहाँ पर और रॉ के मंडे नाइट रॉ में। गाइस रही बात फिलहाल इनको अभी एक भी मौका नहीं दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइट करने के लिए रेसल करने के लिए, अभी फिलहाल इनको बैक स्टेज ही दिखाया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। गाइस यहाँ पर जेट कारगिल के लिए काफी ज्यादा ही सैड न्यूज है क्योंकि उनका यहाँ पर उनकी माँ के यहाँ पर डेथ हो चुका है जो कि उन्होंने काफी रेस्पेक्टफुल इनका यहाँ पर सम्मान किया है। उसके बाद गाइस आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर सीएम पंक को लेकर। सीएम पंक का ऐसा मानना है कि इस बार के रॉयल रंबल में जो कि काफी सारे पुराने यहाँ पर रिकॉर्ड थे इस बार के टूटने वाले हैं। तो गाइस यही रहे आज की कुछ न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो जाने से पहले। तो गाइस फिर से मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।